क्रांति जयंती के दिन कांग्रेस ने किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाया। अंबाला में भारी संख्या में इकट्ठा हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी जयंती के दिन को पार्टी आलाकमान के निर्देशानुसार मनाया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने कहा कि किसानों के विरोध में भाजपा ने जो काले कानून बनाए हैं उनके विरोध में आज कांग्रेस यह दिवस मना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार धान की खरीद में भी अभी तक नाकाम साबित हुई है और कांग्रेस मांग करती है कि ये काले कानून वापस लिए जाएं और धान की खरीद भी जल्द से जल्द शुरू की जाए। जो काले कानून भाजपा सरकार द्वारा किसानों के विरोध में बनाए गए हैं उनको लेके कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में प्रदेश में बहन कुमारी शैलजा जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आज महात्मा गांधी जी को नमन करते हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करते हुए जो ये काले कानून भाजपा सरकार द्वारा बनाए हैं उनका विरोध प्रदर्शन कर रही है। और हमारी साथ में ये भी मांग है कि प्रदेश में धान का उत्थान नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार द्वारा कभी पोर्टल के नाम पे, कभी किसी और नाम पर अड़ंगा लगाया जा रहा है। जो मंडियां हैं धान से अटी पड़ी हैं, खेतों में लोगों के धान पड़े हैं लेकिन उनकी खरीद नहीं की जा रही है। तो हमारी आज ये मांग है कि किसानों की धान तुरंत MSP के तहत खरीदी जाए और जो ये काले कानून ये सरकार द्वारा बनाए गए हैं MSP का, जिसमें कहीं जिक्र नहीं है मंडी को खात्मे की जो साजिश है, वो काले कानून निरस्त किए जाए। नहीं, हमने जो अपना कार्यक्रम है उसके तहत चंडीगढ़ में राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया था, यहाँ भी दिया है, बार बार जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं, लोगों के सामने ये किसानों की समस्या को हम उठा रहे हैं।